प्यार में त्याग एक अमृत के समान है जो आपकी जीवन के नए रास्ते खोल देता है। हर कठिन परिस्थिति से पार उतरने का रास्ता बताता है। आपके पास थोड़ा होते हुए भी परिपूर्णता का एहसास दिलाता है। त्याग करके आपको कुछ खोने का नहीं बल्कि पाने का एहसास होता है। जापान की राजकुमारी ने इस युग में भी मोहब्बत में त्याग की असली मिसाल पेश की है। राजकुमारी माको ने जापान के एक आम आदमी से शादी करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की दौलत और अपना शाही रुतबा को त्याग दिया है। इस अनोखी लव स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। प्रिंसेस माको प्रिंस सुमिहितो और राजकुमारी किको की पहली संतान और बड़ी बेटी और जापानी शाही परिवार की सदस्य है। वह सम्राट नारुहितो की भतीजी और सम्राट एमेरिटस अकिहितो और महारानी एमेरिटा मिचिको की सबसे बड़ी पोती है। जापान के राजघराने की परंपरा है कि राजघराने का कोई सदस्य अगर बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह रचाता है तो उसे बाकी जिंदगी एक आम इंसान की तरह बितानी पड़ती है। राजकुमारी के प्रेमी के कोमुरो एक आम नागरिक है। जापानी कानून के तहत शाही परिवार की महिला अगर किसी आम आदमी से शादी करती है तो वह शाही रुतबा खो देती है, जबकि पुरुषों के लिए यह कानून लागू नहीं होता। राज परिवार छोड़ने वाले सदस्यों को एक तय रकम दी जाती है। प्रिंसेस को 150 मिलियन येन करीब 10 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन प्रिंसेस ने उसे भी छोड़ने का फैसला कर लिया। माको अपने प्रेमी कोमुरो से इतना प्यार करती है कि उन्होंने इससे पहले अपने लिए आए शादी के साथ प्रस्तावों को ठुकरा दिया। माको और केई कोमुरो के बीच प्रेम उस वक्त पनपा जब 2017 में वे दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनके प्रेमी केई कोमुरो ने दिसंबर 2013 में एक डिनर के दौरान उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। दोनों ने अपने प्यार को लंबे समय तक छिपा कर रखा। काफी सालों तक प्रिंसेस ने अपने परिवार को मनाया और आखिरकार राजवंश इस शादी के लिए राजी हुआ।